नमस्कार, मैं हूं आकाश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव खबरें। वही जैसे आप देख रहे हैं जनपद श्रावस्ती से बड़ी खबर। सिरसिया में मनाया गया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। काफ़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने किया योग। आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद के विकासखंड सिरसिया बाजार में स्थित जूनियर हाई स्कूल में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें योग करने के लिए क्षेत्र के काफ़ी संख्या में लोग पहुँच कर किया योग। इस दौरान योग शिविर के व्यवस्थापक सुनील कुमार सिंह तथा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भाजपा की जिला उपाध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी ने लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि करो योग, रहो निरोग। इसीलिए योग बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोग स्वस्थ रह सके। और वहीं आपको बताते चले कि योग शिक्षक पंकज श्रीवास्तव के द्वारा सभी लोगों को योग करवाया गया और योग से होने वाले फायदों के बारे में उपस्थित सभी लोगों को जानकारी दी गई। और उन्होंने कहा कि निरंतर योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और व्यक्ति निरोग रहता है। इसीलिए हम सभी को योग करना चाहिए, जिससे स्वस्थ रह सके। आइए आपको सुनवाते हैं कि भाजपा की जिला उपाध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी द्वारा योग दिवस को लेकर क्या कहा गया, उन्हीं की जुबानी। श्रावस्ती से रमेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। ऐसी सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, जिससे मिल सके आपको हर अपडेट। सर्वप्रथम तो सबसे पहले योग विश्व योग दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व योग दिवस, 8वां विश्व योग दिवस सिरसिया ब्लॉक संसाधन केंद्र सिरसिया विद्यालय में मनाया गया। आज के योग शिक्षक हमारे पंकज श्रीवास्तव जी रहे हैं और योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि योग को विश्व स्तर पर हम लेके जाएं और योग करेंगे तभी निरोग रहेंगे। तमाम जो बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, नियमित योग करने से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाएंगे और जो पैसा अनावश्यक रूप से दवाओं पर खर्च करते हैं वो पैसे सबके बचेंगे। और योग करने से सब आप पूरी तरह से बॉडी फिट रहती, चुस्त दुरुस्त रहती है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, वो प्रातः 4 बजे 4:30 बजे उठकर योग करते हैं और योग की बदौलत ही वो एक दिन भी बीमार नहीं हुए, एक दिन उन्होंने छुट्टी नहीं लिया आज तक। और वो सिर्फ योग का नतीजा, इसलिए मेरा सभी से ये निवेदन है कि योग को अपने नियमित जीवन का हिस्सा बनाएं और प्रतिदिन योग करें। योग करेंगे, निरोग रहेंगे। धन्यवाद।